प्रेस दिवस की शुभकामना देती हूँ, क्योंकि आपकी ही बदौलत हमारा देश अपनी आवाज़, देश के नागरिक, हमारा चतुर्थ स्तंभ कहलाने वाले मीडिया बंधुओं की वजह से देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, निरंतर प्रगति कर रहा है। और आप इसी तरह निर्भीकता के साथ में, सत्यनिष्ठा के साथ में और सच्चाई के साथ में और जनता का हमेशा सहयोग के साथ में पत्रकारिता आप करते रहें। और आपको आज आपके लिए बहुत विशेष दिन है और आज ही के दिन प्रेस वार्ता होना, ये भी मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आपके बीच में आज मैं कुछ समय बिताऊंगी और आपसे भी जानूंगी, क्योंकि आप जिस तरह फील्ड के अंदर लगातार काम करते हो वो भी बहुत मुश्किल भरा काम होता है। और मैंने देखा कि कितनी आप मेहनत करते हो दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक, और उसके बाद में आप सही चीज़ जो है वो जनता के बीच में पहुँचा पाते हैं। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्रयोजन है, जयपुर समारोह है, जयपुर समारोह के तहत की जा रही है। इसमें हमारे नगर निगम की हमारी कमिश्नर रुक्मणी रियार जी हमारे बीच में हैं, हमारे सांस्कृतिक कमेटी की चेयरमैन दुर्गेश नंदिनी जी हमारे बीच में हैं, हमारे सांस्कृतिक कमेटी के सदस्यगण भी हमारे बीच में हैं, गोविंद छिपा जी आदि हमारे अन्य चेयरमैनगण हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। जयपुर 297 साल का होने वाला है 18 नवंबर को। इसके उपलक्ष पर हम हर बार हम जयपुर स्थापना दिवस मनाते हैं और उस पर गणेश मोती डूंगरी प्रथम पूजा गणेश जी से शुरुआत होती है। और बहुत ही जब शुरुआत होती है तब हम एक संकल्प, एक प्रण लेते हैं कि हम हमारे जयपुर की संस्कृति, हमारी विरासत को और आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विकास भी विरासत भी, यानी हमारी विरासत के साथ साथ में विकास होना चाहिए। अगर हमारी विरासत पर अगर आँच आए तो विकास जो है वो जो पूरे विश्व को अट्रैक्ट करता है भारत का, वो नहीं कर पाएंगे। और अभी कुछ ही दिनों पहले मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में गुलाबी नगरी को देखा, तब से तो गुलाबी नगरी जयपुर है वो ट्रेंड कर रही है। पूरे मेयर कॉन्फ्रेंस में मैं अभी गई थी सिंगापुर वर्ल्ड सिटी समिट में, वहाँ मेयर्स ने कहा कि जयपुर बहुत सुंदर शहर है, आप हमें जयपुर बुलाइए। तो हर व्यक्ति की जयपुर आने की इच्छा होती है, गुलाबी नगरी जयपुर को देखने की इच्छा होती है। और जयपुर वासियों के सहयोग से ये शहर जो है ये इतना सुंदर आज भी जो है इतना सुंदर बना हुआ है। और कहते हैं कि जयपुर की भोर जो है वो बनारस जैसी हैं, सुबह पूजा आराधना छोटी काशी इसीलिए कहते हैं, और जयपुर की दोपहर है वो प्रयागराज जैसी हैं, सब अपने काम में सब लग जाते, व्यस्त हो जाते हैं। और जयपुर की शाम जो है वो अवध जैसी है, घंटियों की आवाज़, उसके साथ में चौपाले, चर्चा, ये सब होती है। और जयपुर की रात जो है वो बुंदेलखंडी कही जाती है, तो बुंदेलखंडी जहाँ रात हो, तो वहाँ अभी जयपुर में लगातार देख रही हूँ कि शादियाँ भी, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी लोग जयपुर को चयन करते हैं, क्योंकि जयपुर के अंदर जयपुर का आतिथ्य सत्कार, जयपुर का जयपुर की में जो सारी फैसिलिटी है वो सब उपलब्ध है, तो इसी की वजह से जयपुर की रात बुंदेलखंडी कही जाती है। और इन सब के साथ में इतना सुंदर जयपुर, सवाई जय सिंह जी ने इनको जयपुर को बसाया, विद्याधर भट्टाचार्य जी ने पूरा वास्तुशास्त्र का पूरा जो ज्ञान है उसके साथ में वो वास्तु विज्ञान है, विज्ञान के साथ में जयपुर की बसावट हुई, जो आज के 300 साल पहले का जयपुर आज भी बहुत प्रासंगिक है। आज भी इसके मॉडल पर स्टडी हो रही है, अलग अलग रिसर्च किए जा रहे हैं और विश्व धरोहर की सूची में जयपुर सम्मिलित है। तो इतना सुंदर जयपुर जिसको बसाया, और उस जयपुर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है, मिलकर हम लोग उसको बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम जयपुर समारोह की स्थापना 18 नवंबर को हुई, तो 18 नवंबर के दिन हम सुबह 9:30 बजे प्रथम पूजा गणेश जी की आराधना करेंगे, वहाँ गज पूजा करेंगे। इसके साथ में लाल साड़ी के अंदर महिलाएं होगी सैकड़ों की संख्या में, जो गणेश जी की आरती उतारेंगी और इस जयपुर के लिए मंगल कामना करेंगे कि हमारा जयपुर है वो सुंदर जयपुर, स्वच्छ जयपुर और अग्रणी जयपुर हमारा बने। इसके बाद में हम गंगापोल गणेश जी की पूजा करते हैं, जहाँ से जयपुर की नींव लगी, और वहाँ भी हम जाकर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। फिर गोविंद देव जी के दर्शन होंगे, गोविंद देव जी के दर्शन के बाद में शाम को 5 बजे सवाई जय सिंह जी के स्टेचू सर्किल पर हम वहाँ दीपदान का कार्यक्रम करेंगे, उनको भी धन्यवाद देंगे कि आपकी वजह से हम इतने सुंदर जयपुर शहर के निवासी हैं और इतने सुंदर जयपुर शहर को देख पा रहे हैं और इसको जयपुर शहर की विरासत को हम आगे ले जाने का काम भी कर रहे हैं। जब जयपुर, और इस बार का जयपुर स्थापना दिवस है वो पूरा
भगवान श्री राम को समर्पित हमने किया है, क्योंकि अब राम राज्य राजस्थान के अंदर स्थापित हो चुका है। और जिस तरह पिछले वर्ष 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या में अपने धाम के अंदर विराजमान हुए, तब नगर निगम ने कार्यक्रम किया जहां आएंगे राम स्वच्छ रहे हर धाम। और अब राम जी आ चुके हैं और उसके बाद में ये जयपुर स्थापना दिवस आ रहा है, तो जयपुर स्थापना दिवस पर हमने आ गए हैं प्रभु राम स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ रखेंगे हम अपना धाम, इस स्लोगन के साथ में स्वच्छता सप्ताह के रूप में हम शुरुआत करेंगे जयपुर समारोह की। क्योंकि जब समारोह होता है तो हमें अपना घर, अपना आसपास का परिसर है वो स्वच्छ करना चाहिए। और इसमें मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से जयपुर की जनता से, विकास समितियां, व्यापार मंडल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी जयपुर स्थापना दिवस पर अपने शहर को और सुंदर और चमकाने के लिए आगे आइए और इसको स्वच्छ करने के लिए स्वच्छता सप्ताह को सप्ताह में सम्मिलित हुई है। और हम अपने जयपुर को स्वच्छ करेंगे, जो स्वच्छता के अंदर अच्छा काम करेंगे उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम भी किया जाएगा। इसके साथ आपको सबको पता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार राइजिंग राजस्थान को लेकर काफ़ी मीटिंग्स ले रहे हैं और इतने पावने हमारे शहर में आएंगे और उन पावनों का आतिथ्य हमारे मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि जयपुर की जनता, प्रशासन अपना काम करेगा पर जयपुर की जनता भी उन पावनों का आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं रखे, क्योंकि ये पावने आएंगे उनको लुभाने का काम जयपुर की जनता, जयपुर के व्यापारी, जयपुर के दुकानदारों को करना है। तो हम सबको मिलकर ये भी ध्यान रखना होगा। तो राइजिंग राजस्थान की थीम भी रहेगी, हम जयपुर के प्रमुख चौराहे